दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक जूम लेंस को। इसके अनबॉक्सिंग भी करेंगे कि अंदर हमें इसके अंदर क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है, क्या क्वालिटी है उनकी। उसके बाद बात करेंगे इसको चेक करके इसके रिव्यू की कि किस टाइप की रिकॉर्डिंग ये कर सकता है। हालांकि जो लिखा हुआ उसके हिसाब से 4K HD रिकॉर्डिंग कर सकता है और ये जूम लेंस है, काफी अच्छे से जूम कर सकता है, ऐसे इसके बारे में लिखा है। तो हम उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपको इस टाइप की चीजें परचेज करनी चाहिए या नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए इसी टाइप के जूम लेंस के बारे में। उसे देरी ना करते हुए चलिए श्री गणेश करते हैं। इस टाइप का बॉक्स आपको देखने को मिलता है, तो अब इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या कॉन्टेंट हमें अंदर देखने को मिलते हैं। तो मैं ओपन करूँ तो भाई साहब कुछ इस टाइप की आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं जो फर्स्ट लुक में तो मेरे हिसाब से अच्छी लग रही है, देख के अंदर किस तरह से चीज़ों को रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा मेन लेंस, इसको साइड में रखते हैं। इसके अलावा देखते हैं और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है हमें। तो इसके अलावा यहाँ पर एक लेंस की सेफ्टी के लिए एक जो है रबड़ हमें देखने को मिल जाती है, इसको भी साइड में रखते हैं। ये देखते हैं क्या है। ये दोस्तों माउंट है ट्राइपॉड पे लगाने के लिए, ये इसके अंदर चला जाता है, यहाँ तक पहुँच जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ पर इससे टाइट कर सकते हैं और ये आपका ट्राइपॉड में फिट करने लायक हो जाता है। इसमें जब लग जाएगा तो आप इसको ट्राइपॉड में फिट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्राइपॉड का जो पिन होती है, जो स्क्रू होता है, वो यहाँ पर टाइट हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको लेंस को टाइट कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है, यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये क्लिप जो है दिखाई दे रहा है, तो क्लिप काफ़ी सॉलिड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, स्मूथनेस भी है अंदर। आपके मोबाइल की स्क्रीन को या बैक को कोई भी नुकसान इसमें नहीं पहुंचेगा। लेकिन हाँ एक चीज़ है, ये जो क्लिप है इसमें यहाँ पर ना मुझे स्पेस कम लग रहा है, क्योंकि आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं वो हाई कैमरा बम्प वाले आ रहे हैं। तो अगर आपके कैमरे का बम्प ज़्यादा है तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अगर 10 mm के आसपास आपके मोबाइल की थिकनेस है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर 8 mm के आसपास है तो ये इजीली उसको कवर कर लेगा, वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर 10 mm के आसपास है या उससे ज़्यादा है, बम्प आपका ज़्यादा है कैमरे का, तो डेफिनेटली ये आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। इसके अलावा आपको जो नॉर्मल क्लिप होता है ना, जैसे हम कपड़े लटकाते हैं ऐसे खुलने वाला होता है, तो वो आपको काफ़ी काम में लगेगा। लेकिन ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आपके मोबाइल का जो है मोटाई थोड़ी ज़्यादा है। तो अदरवाइज़ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सॉलिड मटेरियल है यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों और क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमारा ये एक क्यूट सा ट्राइपॉड दोस्तों देखने को मिलता है, तो ये डेफिनेटली इसकी काफ़ी अच्छी हाईलाइट है। काफ़ी क्यूट सा एक ट्राइपॉड है जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और इसको आप इस तरह से इसकी लेग्स को आप जो है ओपन कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे से दोस्तों जो है स्टैंड हो जाता है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप इसको रख सकते हैं, यहाँ पर आप माउंट लगा सकते हैं, या जो मैंने आपको बोला था ये हिस्सा यहाँ पर लग जाएगा इसमें। उसके बाद आप यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर लगा सकते हैं और डेफिनेटली ट्राइपॉड काफ़ी सॉलिड है, ऐसा नहीं है कि गिर जाएगा। आप इसमें चाहे तो आपका मोबाइल वगैरह भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसकी लेग्स को भी आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए। ये मुझे दोस्तों काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड लगा है, बहुत क्यूट है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी अच्छा वेट ले सकता है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये इसको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और डेफिनेटली इसके जो कंटेंट है वो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो ये सामान है, पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो आपको इसके अंदर डाल देना है इस तरह से, थोड़ा फोल्ड करके या घुमा के कह सकते हैं, तो इस तरह से ये आ जाएगा, तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको टाइट करने के लिए ये जो पतले वाला स्क्रू है, इसमें दो हैं, एक बड़े वाला एक छोटे वाला, तो जो पतले वाला है उसके अंदर आपको इसको सेट कर देना है ताकि ये इसके साथ टाइट हो जाए और थोड़ा लूज़ ना रहे जब भी आप फोटो वगैरह वीडियो वगैरह खींचें। तो इस तरह से हो गया। अब ये आप चाहें तो बाद में लगा सकते हैं, या मुझे इसका इतना कोई काम लगा नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो है ट्राइपॉड यहाँ से निकालना है। और इसको तो मैंने आपको बता दिया था, इसको तो ओपन करके रख देते हैं, फिर मैं आपको अटैच करना बताता हूँ इसमें कैसे करना है। उसके बाद हमारा दोस्तों ये क्लिप है यहाँ पर, तो इसका काम भी बाद में आएगा। पहले हमारा जो ये ढक्कन है इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा चूड़ियाँ बनी हुई है, वो यहाँ पर सेट हो जाती हैं आपके इस क्लिप में इस तरह से। तो अगर आप इसमें लगा के इसको ऐसे टाइट कर देंगे तो ये इस तरह से दोस्तों यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब ये मोबाइल में लगने लायक है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्लिप को मोबाइल के अंदर सेट करना है, उसके बाद ही दोस्तों आप जो है इसको कर पाएंगे। तो मोबाइल का कवर निकाल देता हूँ मैं। तो ये मेरे पास M30S है, क्योंकि Redmi Note 10 Pro है तो उसमें बम्प है कैमरे का, तो उसमें सेट नहीं हो पाता है। हालांकि इसमें भी इतने अच्छे से नहीं होता, आपका मोबाइल थोड़ा सा अगर पतला होता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्या करना, आपको पहले यहाँ पर आपका जो कैमरा है उसमें बीचों बीच जो मेन कैमरा है आपका, वहाँ पर आपको सेट कर देना है। तो मेरा मेन कैमरा बीच वाला है, तो मैं वहाँ पर
एक बार सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पकड़ के थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसको टाइट कर देना है। तो टाइट करेंगे तो वहाँ पर ये सेट हो जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। तो थोड़ा सा आपको देख के सेट करना है इसको। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको सेट कर लेना आपके मेन कैमरे पे। अगर आपका ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ सकता है तो और ज़्यादा बेटर है। मैं अगर इसको ऊपर कर दूंगा तो काफ़ी ऊपर उठ जाएगा, फिर जो है लेंस का वेट ये नहीं ले पाएगा। तो आपको इस तरह सेट करना है कि ये प्रॉपरली सेट हो जाए, बीचों बीच हो जाए। आप चाहे तो इसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं इस तरफ, जिस तरीके से आपको लगे आप इसको सेट कर सकते हैं। और दोस्तों आप इसका लेंस निकाल लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे लेंस जो है निकल चुका है। तो इसके अंदर का जो लेंस है वो देखिए थोड़ा पीछे जाता है आगे आता है फोकस करने के लिए। और यहाँ पर ये क्लियर करने के लिए जो है एक रोटेशन है, इसको हम रोटेट करेंगे बीच में क्लियर करने के लिए चीज़ों को। तो ये मैंने आपको बता दिया दो तरह से घूमता है, एक यहाँ से ये क्लियर करने के लिए और ये जो है आगे पीछे करने के लिए लेंस को, लेंस इससे आगे पीछे हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4K HD 20x मोबाइल टेलीफोन लेंस है, तो मोबाइल के लिए है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको मोबाइल में सेट यहाँ पर कर देते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा मैंने आपको बोला था यहाँ पर जो है चूड़ियाँ इसके अंदर टाइट करने के लिए, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर घुमा देंगे और ये हमारा जो लेंस यहाँ पर जो है टाइट हो गया, इस तरह से लग गया है। अब हमें इसको ट्राईपोड पे सेट करना है। तो आपको यहाँ पर देखिए ट्राईपोड पे यहाँ पर इसको टाइट कर देना है। आप ट्राईपोड को यहाँ पर टाइट कर लीजिए क्योंकि मोबाइल को तो आप उतना घुमा नहीं पाएंगे, तो ट्राईपोड को यहाँ पर घुमा लीजिए। तो कुछ इस तरह की दोस्तों लुक आएगी। आप इसकी जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड होने के बाद ये और फैल जाएगा अच्छे से और इस तरह से ये दोस्तों ये स्टैंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की लुक आएगी। अब हम यहाँ से मोबाइल से देख के जो वीडियो वगैरह हम जो है हमारी शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है आपके जो लेंस को ट्राईपोड के ऊपर। इस तरह से मैंने लगाया है और जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से ये ऐसे ट्राईपोड लग जाएगा और इस तरह से आपको सेट कर लेना आपका जो कैमरा है वो इस तरह सेट कर लेना। मेरा मोबाइल जो अभी सेट हो गया है तो यहाँ पर, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशानी लेनी पड़ेगी इसको सेट करने में। तो ये मुझे काफ़ी दिक्कत यहाँ पर दोस्तों लगी है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ फ़ोटो, अगर मैं यहाँ पर फ़ोटो नहीं, मैं ऐसे ही आपको दिखा दूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये पिक्चर आप देख पाएंगे इस तरह से हुई पड़ी है। तो ये पहले वाला जो सर्कल है इधर जो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये जो पहले वाला है, ये पहले वाला है, ये सेकंड वाला है। तो मैं अभी दोनों का काम आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से अगर मैं पहले वाला को अगर मैं रोटेट करता हूँ तो ये इस तरह से छोटे शेप में ले आएगा इसको। तो छोटे शेप में भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं ऐसे घुमा के सामने वाला, दोनों का एडजस्ट करके। तो ये जो सामने वाला है ये सिर्फ आपके जो स्पेस को बढ़ाने के लिए, फुल स्क्रीन करने के लिए, उसको एक शेप के अंदर देने के लिए। अगर शेप के अंदर है तो फिर आपको सामने वाला घुमाना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको क्लियर करेगा दोस्तों ये, इस तरह से तो क्लियर करेगा। और अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ तो फिर से आपको उसको घुमाना पड़ेगा, तो इस तरह से क्लियर कर देगा उसको। अगर मैं आपको एक्चुअल दूरी दिखाऊँ तो आप देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो देखिए इतनी दूर में है वो पेड़ जो आपको दिख रहा है इतनी दूर में है, और वो जो गाड़ी खड़ी है ब्लू कलर में वो इतनी दूर में है। लेकिन अगर मैं इधर सामने कर देता हूँ तो देखिए इतना जूम आपको मिलता है, 20x फुल जूम है ये। तो इतनी क्लियरिटी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ अभी करके। देखिए इतनी दूर है और यहाँ पर आपको देखिए देखने को मिल रही है। तो इस टाइप की क्लियरिटी दोस्तों आपको देखने को मिलती है। इस तरह से आप इसको जो पूरे को सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको ये लेंस परचेज करना चाहिए या नहीं, मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो हालांकि मैं इसको अच्छे से आपको दिखा भी नहीं पाया, इसको चला के बहुत ज़्यादा अच्छे से जो मैंने सोचा था उसका भी रीज़न बता रहा हूँ। तो फाइनल अगर मैं आपको बताऊँ तो इसको परचेज ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया हूँ इसको एडजस्ट कर करके। फाइनली बाद में जाके थोड़ा बहुत एडजस्ट हुआ, उसके बाद मैं आपको जो है थोड़ा बहुत इसकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा पाया कि किस टाइप का आपको देखने को मिलता है, किस टाइप की फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलेगी काफ़ी मशक्क़त करने के बाद। पहली बात तो ये थी कि मेरे पास M30S मोबाइल था, ये तो एक स्लिम मोबाइल में ही आता है, इतना मोटा मोबाइल नहीं है। इसके अंदर भी लगाने में मुझे बहुत परेशानी हुई दोस्तों, और वो जो क्लिप मैंने आपको बोला था कि उस टाइप का मत लेना, तो पहले क्लिप को ज़रूर देखिएगा कि वो नॉर्मल जो कपड़े हम जो है सुखाते हैं वैसा क्लिप है या जो मैंने दिखाया वो है। तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है जो मेरे पास आया हुआ है, आपको दूसरा नॉर्मल क्लिप लेना है जो सिर्फ प्रेस करके उसको लगाने वाला होता है अगर ये लेंस लेना है तो। फिर भी मैं आपको बोलूँगा ना ही परचेज करें तो अच्छा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी भी मुझे अच्छी नहीं लगी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हाँ जूम अच्छा है, डेफिनेटली जूम अच्छा है, लेकिन क्वालिटी मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। यूजेबल है लेकिन आपके मन को शांति नहीं मिलेगी, आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा जो आप सोच के इसको परचेज किए हैं। और एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा टफ है, आपका मोबाइल अगर पतला है, हालांकि स्लिम मोबाइल आजकल पहली बात तो होते ही नहीं है क्योंकि बम्प वगैरह हर एक कैमरे में मिल जाता है,
तो वो बहुत बड़ी दिक्कत थी इस कैमरे का स्लिम ना होना, वो जो मेरे पास क्लिप था उसको लेके, क्लिप दूसरा आप ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऑल ओवर अगर बात करूँ तो मुझे इतना पसंद नहीं आया है, फिर भी अगर आपको परचेज़ करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस इसको लेके वो अच्छा नहीं रहा है, तो मैं तो इसको डेफिनेटली फ्यूचर में किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा अपनी तरफ से बाय करने के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन वीडियोज आपको फ्यूचर में मिलती रहे। सो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।